विधान परिषद नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान करने मतदाता पहुंचे। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मतदान बूथ पर पहुंचे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान भी किया। विधान परिषद नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 6 जिलों में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की गई। नागपुर की यदि बात करें तो इस चुनाव में मुख्य रूप से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी और भाजपा के उम्मीदवार संदीप जोशी के बीच कांटे की टक्कर होने की खबर से राजनीतिक बाजार में चर्चाओं का दौर जारी है। अब अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए नेता हो या कार्यकर्ता, हर कोई कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच आज सुबह एसटी स्टैंड के बाजू में मनपा के स्कूल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दल बल के साथ बूथ पर पहुंचे। अपने सुरक्षा रक्षकों के बीच नितिन गडकरी अपने वाहन से उतरकर सीधे मतदान बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान किया। विधान परिषद पदवीधर मतदार संघ के यहां पे जो चुनाव शुरू है, ऐसे में आज हर कोई वोटिंग करना चाहता है और अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पूरे नेता हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, जिसके चलते आज मतदान का ये दिन है। सब कार्यकर्ता हो या फिर जो पदवीधर के जो लोग हैं, वे सब लोग आके इस चुनाव में अपना मतदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही साखरे गुरुजी उच्च प्राथमिक शाला है जहाँ पे ये मतदान केंद्र है और इस बूथ पर आकर वे अपना मतदान कर रहे हैं। अभी वे अंदर गए हुए, जैसे वे बाहर आ जाते हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। मतदान करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को और मीडियाओं को स्याही की उंगली दिखाई। इसी बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टरों ने उनसे बात करना चाहा, लेकिन नितिन गडकरी ने एक भी शब्द नहीं बोलते हुए सीधे गाड़ी में जाकर वहां से निकल पड़े। तो इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने अपना मतदान यहाँ पे करके वे निकल चुके हैं और मीडिया ने जब बात करना चाहा तो कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो मतदान आज ये करके गए हैं और भी लोग आ रहे हैं यहाँ मतदान करेंगे। हर उम्मीदवार को अपने जीत पे भरोसा है, घोड़ा मैदान नजदीक है, तब पता चलेगा कि जीत किसकी होगी। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।